हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे आप सब लोग आज सुबह के बज रहे हैं, 9:50 हो रहे हैं, देखिए पूरा गुड मॉर्निंग। ऐसे मैं इस वीडियो के इंट्रो और आउट्रो बनाया था, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं आया, इसलिए मैं घर से इंट्रो और आउट्रो बनाने वाला हूँ। इस वाली वीडियो में आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता लगा ही लिया कि किस कार के बारे में ये वीडियो है। ये इनोवा क्रिस्टा की वीडियो है। देखिए आप इनोवा क्रिस्टा में हम क्या क्या करने वाले हो, इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे इस वाले वीडियो में यहाँ ऑडियो बंद हो गया था, इसीलिए मैं आपको अलग से ऑडियो डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनोवा क्रिस्टा की सीट स्ट्रिच हो रही है, देखिए पूरा बकेट फिटिंग है इस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाइट कलर में दो धागे से स्ट्रिच हो रही है, देखिए पूरा बकेट फिटिंग है। ये 10 कलर में और व्हाइट स्टिचिंग में सीट कवर है। ये आगे वाली सीट है, ये पीछे वाली सीट है। यहाँ पे आगे पीछे वाली दोनों वाली सीट निकाली गई है। ये देखिए गाड़ी डायमंड कट अलॉय है, पूरा टॉप मॉडल पाइन है। टॉप मॉडल जो नीचे वाला आता है वो वाला मॉडल पाइन है, यूपी से इंपोर्ट कराया है ये। हम गुजरात राजकोट से ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए पूरा ओवर लुक पहले इनोवा क्रिस्टा का देख लीजिए। ये गाड़ी के ओनर ही खड़े हैं। हमने यहाँ पे हेडलाइट में LED भी डाली है, वो भी मैं आपको आगे आउटपुट सब बता ही दूंगा कि कौन सी वाली है, कहाँ कितने वोल्ट है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। गाड़ी में ओवरऑल क्या क्या काम कराया हुआ है वो सब मैं दिखा दूंगा। ये देखिए सनराइजर, क्रोम वाले सनराइजर, डोर वाइजर जो आप भी बोलते हो, वो सब हमने लगवाया है। यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा क्रोम आता है, वो भी भाई लगवा रहे हैं, उसकी प्रोसेस चालू है। अंदर क्या कि इंटीरियर में काम किया गया है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए पहले पूरा आउटलुक देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला क्रोम भी हमने लगाया था, और ये देखिए टॉप पे 16:19 आप देख रहे हैं, वो भी हमने ही लगाया है। और गाड़ी में क्या क्या काम होता है आगे आगे मैं बताता हूँ। देखिए ये सीट कवर आ गया। यहाँ पे गाड़ी में फ्लोरिंग की गई है, देखिए कंप्लीट। ये फर्मा आता है पहले से ही, वो हमने स्टिच करके लगाया होता है। ये आपकी जो ओरिजिनल फ्लोरिंग होती है उसके साथ धागे से स्टिच किया जाता है और लगाया जाता है। इसका फर्मा बहुत बड़ा आता है इनोवा क्रिस्टा का। आगे से लेके पीछे तक इसकी फ्लोरिंग जाती है, ये पीछे वाली सीट निकलती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सीधा सीट कवर चढ़ाया जाता है। ये फोल्ड की गई है और वो फोल्ड की गई नहीं है। ये यहाँ पे कवर पड़े हैं, वो भी लगाए जाएंगे। देखिए पूरा लेदर में हम इसकी क्वालिटी है। और आप देख यहाँ पे हमने मैक्सलिन की LED डाली है। देखिए ये मैक्सलिन का बॉक्स है, आपको दिख ही रहा होगा कितना वोल्ट है, वो सब मैं अभी आपको आउटपुट भी दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने दोनों DRL भी डाली है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैक्सलिन की LED की आउटपुट कितनी बढ़िया है। अभी हेडलाइट हम ऑन करते हैं, देखिए ऑन हो गई है, हम आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए लो बीम है ये, और अभी ये है हाई बीम। लो बीम हाई बीम दोनों आप देख लीजिए आउटपुट कितना बढ़िया है, हाईवे पे तो बहुत ही इनियस होके आएगा। और ये व्हाइट LED जो हमने DRL लगाई है वो व्हाइट इनोवा क्रिस्टा पे बहुत ही जच रही है। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर वाले DRL है, ये भी हो गए। देखियो पूरा साइड मिरर में भी इंडिकेटर दिखाई देते हैं, वो सभी बहुत ही बढ़िया आता है। इसका लुक इनियस होके आता है, इसमें हेडलाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही लगाया जाता है और इसकी वायरिंग की जाती है। बहुत ही बढ़िया ये लग रही है, देखिए व्हाइट LED। अभी हम यहाँ पे साइड वो आता है क्रोम, उसको बोलते हैं साइड गार्निश। वो साइड गार्निश क्रोम वाली देखिए, सनराइजर में भी क्रोम है और ये वो नीचे रहा था वहाँ पे भी क्रोम आएगा, इसलिए पूरा फ्रेम हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये स्टार्ट होता है फ्रेम, तो दो कटके में और ये दो पार्ट में आता है, टोटल 4 पार्ट में। ये साइड डोर हैंडल में भी हमने क्रोम चढ़ाया है, देखिए पूरा लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और हम अभी दिखाई देते हैं कि वो कैसे लगाया जाता है वो साइड गार्निश है। वो हेडलाइट में लगी हुई LED का आउटपुट तो देख ही लिया होगा आपने इस पीछे वाली वीडियो में। और देखिए इनोवा क्रिस्टा का कैसा लुक अभी आ रहा है और बनने के बाद कैसा लुक आएगा। इंटीरियर तो पूरा चेंज ही होने वाला है, 10 कलर में वो सीट लगाई जा रही है, इसीलिए इनोवा में तो क्या ही बूट देंगे। देखिए अभी पहला आउटलुक देख लीजिए, और ये प्लेसमेंट बिठाई जा रही है। देखिए 3M की सेलो टेप होती है, वो निकाल के चिपकाई जाती है। देखिए वो रेड कलर में 3M की सेलो टेप थे। और आप पूछ रहे हैं कि ऊपर व्हाइट क्या था, तो व्हाइट वो कागज़ था इसीलिए। और मैं भी यहाँ पे धोखा खा गया था, मुझे लगा फॉग लैंप है, वो फॉग लैंप नहीं है, वो इंडिकेटर है। फॉग लैंप यहाँ पे नीचे आते हैं, उसकी प्लेसमेंट दी गई हुई है, लेकिन फॉग लैंप आया नहीं है इसलिए। और ये व्हाइट कागज़ हमने निकाला, देखिए पूरा। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए आउटपुट कितना बढ़िया आ रहा है, क्रोम वाला पूरा फ्रेम बन चुका है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा था 4 पार्ट में ये क्रोम नहीं आता, 5 पार्ट में
और हमने इनोवा क्रिस्टा में एक कंपनी वाली डिस्प्ले देख लीजिए आप, फिर इसके आउटपुट कंपनी वाली डिस्प्ले है। इसमें हमने सिर्फ पिछले वाला कैमरा आरडी का लगाया हुआ है, वो आरडी का कैमरा कितना क्लियर आता है, कितना आउटपुट दे रहा है, वो भी मैं आपको अभी डिस्प्ले ऑन करके दिखाई देता हूँ। पहले देख लीजिए इसका इंटीरियर, बेसिक सा इंटीरियर है, पूरा ब्लैक में मिलता जुलता फॉर्च्यूनर के साथ है कंप्लीट, वो भी आरडी का कैमरा है, उसका आउटपुट इनोवा क्रिस्टा कंपनी की डिस्प्ले में कितना आता है वो देख लीजिए। देखिए टोयोटा का ब्रांडिंग आ चुका है, हमारी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, ऊपर 8:10 हो चुके हैं, 5 बजे भाई आए थे, अभी हमने पूरा काम कंप्लीट किया, 10 बज गए थे पूरा काम कंप्लीट होते होते। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना, देखिए आउटपुट कितना बढ़िया आ चुका है, अब देखिए आप कितना सब क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है। देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिए यहाँ पे पार्किंग लाइन भी दिख रही है, वो भाई आया जाया सब कुछ क्लियर दिख रहा है, जैसे ही हम स्टेयरिंग घुमाते हैं वो ये लाइन है वो घूमती है देखिए पूरा, और आपको गाइडनेस दी जाती है कि इस तरफ उस तरफ पार्क कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया इसका आउटपुट निकल के आया है, हमें भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसे आरडी का कैमरा आउटपुट निकल के आया है। देखिए पूरा बकेट कवर सीट कवर है तैयार हो चुकी है, देखिए कहीं भी अभी रिंकल नहीं है और पूरा बकेट फिटिंग आ जाए आउटपुट, ये लग जाने के बाद भी बहुत बढ़िया आउटपुट लगेगा क्योंकि ये दिखने भी इतनी बेहतरीन दिख रही है। देखिए पूरा वो पीछे पॉकेट आ जाती है, कहीं भी कुछ रखना हो तो पीछे पॉकेट में हम रख सकते हैं, मुझे तो अमेजिंग लग रहा है। पूरा 10 कलर में 10 और ब्लैक का मिक्सर भाई ने किया है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मैं आउटरो भी मेरे घर से ही कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इनोवा क्रिस्टा वाली तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखिए अपनी वाली कार ये खड़ी सेंट्रो हमारी, देखिए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि आप लोगों से प्यार से ही हमको इंस्पिरेशन मिलती है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।